नमस्कार, आप स्वराज भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में दो ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जिनको उम्मीद नहीं थी कि ये नाम केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इनमें सबसे पहला नाम सामने आता है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह का, और दूसरा नाम आता है लोजपा कोटे से मंत्री बने पशुपति पारस का। इन दोनों मंत्रियों के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद से बिहार की राजनीति एक अलग मोड़ पर चली आई है। वहीं RCP सिंह के मंत्री बनने के बाद से बिहार में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। वहीं मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद से जदयू में भूचाल आ गया है, क्योंकि जदयू कोटे से उम्मीद थी कि सांसद ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद से पार्टी में भूचाल आ गया और फूट की तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को नज़रअंदाज कर दिया है। वहीं पार्टी में आए भूचाल को शांत करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से ललन सिंह ने उठा ली है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें मंत्री नहीं बनाए जाने का कोई असंतोष नहीं है। इस दौरान ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके आवास पर भी गए, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई। RCP सिंह की नई दिल्ली कूच के बाद अब चर्चा जदयू अध्यक्ष को लेकर शुरू हो चुकी है और लोगों ने कई तरह के कयासे लगाने शुरू कर दिए। बिहार की राजनीति में चर्चा तेज है कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू का नया अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वहीं ललन सिंह को भी दावेदार बताया जा रहा है। ऐसे में शुक्रवार को दोनों नेताओं की मुलाकात भी कई तरह की चर्चाओं को जन्म देती है। माना जा रहा है कि ललन सिंह का अचानक उपेंद्र कुशवाहा के घर जाना जदयू की सियासत में नई पटकथा लिखने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के राजनीति तेज है कि किसे जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, ललन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा को। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 दिसंबर 2020 को RCP सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया था, जिसके बाद से पार्टी की सारी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी की और अब यह पद किसे दिया जाएगा ये देखने की बात है। तो इसी तरह तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए स्वराज भारत लाइव।